इस अभियान की हर गतिविधि का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से हो सके इसके लिए उचित देख रेख हेतु एवं आवश्यक सहयोगकर्ता के रूप में निकटतम उच्च प्राथमिक शाला के एक शिक्षक को जो है मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया, जैसे आप लोग हैं। फिर है ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो सतत मॉनिटरिंग करेगा सभी समन्वय डीआरसी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त उच्च अधिकारी इस अभियान में सभी स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे और उचित दिशा निर्देश देकर के अभियान को सफल बनाने में अपनी योगदान देंगे। 30 अप्रैल को वाचन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वाचन दिवस पर बच्चों के आकलन हेतु 5 निर्णायक महिला समिति का भी गठन किया जाएगा जो हर बच्चा का स्तर का आकलन करेगा। ये तो मुख्य रूप से है ना, और यह जो होगा वह कहना चाहिए एक प्रकार से वो होगा मतलब कंपटीशन टाइप से होगा। आप स्कूल में इसको कंपटीशन हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे संकुल स्तर से होगा, ब्लॉक स्तर से होगा, जिला स्तर से होगा। तो जिला स्तर का जो है जितना भी प्रतियोगिता होगी वो यही के स्तर पर होगी, बाकी राज्य स्तरीय जो होगा वो डेट मतलब राज्य स्तर से ही उसको किया जाएगा। ये तो इसका सामान्य परिचय था सर। तो आगे देखते हैं पठन कौशल का उद्देश्य, कि यह पठन कौशल का उद्देश्य क्या है। तो सभी प्राथमिक शाला के बच्चों में पठन कौशल का विकास करना, हम जानते हैं आज की स्थिति हमारे प्राथमिक शाला में क्या है, सबको ही अवगत है, छुपा तो नहीं है ना। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि प्राथमिक शाला के बच्चों में पठन कौशल का विकास, और किसी भी विषय वस्तु को, कोई भी बच्चा किसी भी विषय वस्तु को अपने स्तर पर अपने स्तर के अनुसार जो है आसानी से पढ़ सके, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। आगे दिया है पठन कौशल अभियान की तैयारी, हमें इसकी तैयारी कैसी करनी होगी कि हम इस पठन कौशल जो अभियान है शासन द्वारा इसको हम कैसे संचालन कर पाएंगे, इसके लिए तो आवश्यक तैयारी करना ही पड़ेगा ना, बिना तैयारी के होगा नहीं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, इसका सबसे पहले होगा व्यापक प्रचार प्रसार। हम अपने स्तर पर व्यापक इसका प्रचार प्रसार करेंगे, स्कूलों में बच्चों द्वारा रैली निकाली जाएगी, पूरा छत्तीसगढ़ में सभी तरफ हो रहा है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इस कारण से जो है शायद नहीं हुआ होगा, हुआ है कहीं आज तक हुआ है, लेकिन दूसरे जिला तरफ जो है वो लोग शायद आगे भी कहीं कहीं तो पहले से ही उसको